हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इज इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस पर आपकी कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही है। हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस द रे इंटरसेक्ट एट ए हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस द रे इंटरसेक्ट एट 0.15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर करेंगे। ठीक है, और क्या बता रखा है? इफ द लेंस इज रिमूव टू द पॉइंट वेयर द रे मीट्स विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या बताना आपको? फोकल, यहाँ पर आपको उसकी फोकल लेंथ बतानी लेंस की। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था, देखिए क्या लिख लीजिए, लेंस फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लेंस फॉर्मूला विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए, लेंस फॉर्मूला आपका है क्या? लेंस फॉर्मूला होता है, देखिए आपका 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, वी क्या आपका, वी आपकी इमेज डिस्टेंस है, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ की आपकी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस बच्चों क्या होता है? आपका कनकेव लेंस होता है। ठीक है, ये इस तरीके का लेंस है। ठीक है, दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, ये मान लीजिए इसके ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस, आप जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है। ठीक है, अब बोल रखा है कि एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इज इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस दे इंटरसेक्ट एट ए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका इस तरीके से सिचुएशन है। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जिंग बीम है। कन्वर्जिंग बीम देखिए आपकी इस तरीके से क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर आपका यहाँ पर लेंस नहीं होता तो ये रे आपकी ऐसे जाती ऐसे जाती, यहाँ पर आपकी कन्वर्ज कर जाती। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या कर जाती, मीट कर जाती। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चा, आपका लेंस है, तो लेंस होने के साथ ये लेंस कैसा आपका कनकेव लेंस क्या करता है, आपका डाइवर्ज करता है। तो ये आपकी थोड़ी सी आगे जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आके ऐसे क्या करेंगे, आपके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दिस विल बी अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपके लेंस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर क्या बननी है, इमेज बननी है। ठीक है, दिस इज अ इमेज। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसने सेकंड कंडीशन क्या बोल रखी है, इसने बोल रखा है कि हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस द रे इंटरसेक्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ये डिस्टेंस आपको बच्चों कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर मिल रही है। इफ द लेंस इज रिमूव द पॉइंट वेयर द रेज मीट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। ठीक है, अगर हम इस लेंस को हटा दें तो यानी कि ये आपका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या देखिए बच्चों, आपका ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेज है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये आपका इंसिडेंट रेज है, ये बेसिकली क्या आपकी, दीज आर इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रेज आपकी यहाँ पर मैच कर रही है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो हम बता सकते हैं दिस विल बी एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बोल रखा है व्हेन द रेज मीट विल 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो मैं बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी आपकी, ये टोटल 15 है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी हिंट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। अब आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना है, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए रे यहाँ से आ रही है, तो ये नेगेटिव साइड, ये आपकी पॉजिटिव साइड, सारा डिस्टेंस है कि आपके यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव होगा। तो हम बता सकते हैं, देखिए यू यू के आपका यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि कितनी, 10 सेंटीमीटर, इसमें +10 सेंटीमीटर। इमेज देखिए आपकी कहाँ बननी है, राइट साइड में बननी है, कितने पर, 15 सेंटीमीटर, तो उसको आप +15 सेंटीमीटर लिख लीजिए। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो बस आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, 1/v 1/15 -1/10 इट शुड बी इक्वल टू ओवर 1/f। ठीक है, तो बस इसको आप यहाँ से रेशियो ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 15 2 30, 10 -3, और ये आपका उसका 1/f हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका -1/30, और f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी -30 के इसमें सेंटीमीटर में। सो दिस विल बी द फोकल लेंथ, आपकी फोकल लेंथ किसकी, नेगेटिव है तो वो तो आनी थी क्योंकि आपका कनकेव लेंस है, और 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।